अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। बच्चों, आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 को आज डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। अच्छा, इसमें चार एक्सरसाइजेज हैं सेकेंड ईयर में, जो चैप्टर नंबर 8 है, इसकी कुल चार एक्सरसाइजेज हैं। और वो किस तरह है, आइए आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 8.1, जिसका नाम है पैराबोला, 8.1 का नाम है पैराबोला। इसके अलावा एक्सरसाइज 8.2 जो है, उसका नाम है एलिप्स। एक्सरसाइज 8.2 में हम एलिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज 8.3 है, इसका नाम है हाइपरबोला। और एक्सरसाइज 8.4, ये जो 8.4 है, इसमें इन तीनों की एप्लीकेशंस पढ़ी जाती हैं। एप्लीकेशन बेसिकली एडवांस थ्योरी को कहते हैं। किसी भी चीज़ का जो एडवांस है वो एप्लीकेशन कहलाता है। एक्सरसाइज 8.4 ये कहलाता है एप्लीकेशंस ऑफ पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है जनाब, तो ये चार एक्सरसाइजेज हैं जिसमें डिस्कस की जाएंगी। तो आइए एक्सरसाइज 8.1 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 8.1 जो प्योर पैराबोलिक एक्सरसाइज है, इसमें पैराबोलिक कर्व पढ़ा जाएगा। ये जो नाम आपको नजर आ रहे हैं, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ये बेसिकली कर्व के नाम है। तीन मुख्तलिफ किस्म के कर्व होते हैं। अब जो पैराबोला है वो क्या है? पैराबोला बेसिकली हाफ ओवल शेप होता है, यानी कि जो अंडे की शक्ल है उसका हाफ कर दिया जाए तो हाफ ओवल शेप पैराबोलिक कर्व कहलाते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। आप समझ लीजिए कि हमारा पैराबोला है और हमने चारों तरफ इसके एक्सिस रे ड्रॉ कर दी है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम, इसमें एक हाफ ओवल शेप बनाएंगे जो ओरिजिन से टच करता हुआ नीचे की जानिब चला जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये कर्व जहां टच करता है, इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। अंदर वाला जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं फोकस, और बैक पर जो लाइन होती है इसे कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये जो आपको नजर आ रहा है पॉइंट, ये वर्टेक्स है। इसके अलावा जो पॉइंट है ये फोकस है, और ये जो लाइन है इसे कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इसके अलावा वो लाइन जो फोकस से गुजरे और डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन के पैरेलल हो जाए,
या आप यूं भी कह सकते हैं कि वो लाइन जो फोकस से गुजरे और दोनों साइड पैराबॉलिक कर्व को टच कर दे। इस पॉइंट इस लाइन का नाम होता है लेटस रेक्टम और फोकल कॉर्ड। ठीक है। अच्छा, अब आपको आगे की तरफ लेकर चलते हैं। वो लाइन जो फोकस से गुजरे, फिर वर्टेक्स से गुजरे और फिर डायरेक्ट्रिक्स पे 90 का एंगल बनाए, इस लाइन का नाम होता है एक्सिस ऑफ पैराबोला, और इसका दूसरा नाम प्रिंसिपल एक्सिस भी होता है। इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, और दूसरा नाम होता है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। आप इसे प्रिंसिपल एक्सिस भी कह सकते हो, ये इसका नाम है। यहां तक कर लेने के बाद अब इसके ऊपर एक पॉइंट लिया जाता है, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट लिया जाता है। ये जो पॉइंट ऊपर लिया हुआ है, इस पॉइंट को कहते हैं लोकस ऑफ पैराबोला, पैराबोला का लोकस कहलाता है। ठीक है, ये थे वो पैराबोला के पार्ट्स जहां कर्व टच करे वर्टेक्स, अंदर का पॉइंट फोकस, बाहर की लाइन डायरेक्ट्रिक्स, वो लाइन जो फोकस से गुजरे और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है उसे कहते हैं लेटस रेक्टम और फोकल कॉर्ड, और वो लाइन जो फोकस से गुजरे, वर्टेक्स से गुजरे और डायरेक्ट्रिक्स पे 90 का एंगल बनाए, इस लाइन का नाम होता है एक्सिस ऑफ पैराबोला, प्रिंसिपल एक्सिस। वो पॉइंट जो बाउंड्री के ऊपर रखा हुआ हो उसे कहते हैं लोकस ऑफ पैराबोला। ये तो पैराबोला का स्ट्रक्चर था। अब इनके फॉर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पैराबोला की बेसिकली दो टाइप्स यानी फॉर्म्स होती है। फॉर्म्स ऑफ पैराबोला में पहली जो फॉर्म होती है इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, और जो दूसरी फॉर्म होती है इसे कहते हैं जर्नल फॉर्म। ठीक है, अब ये फॉर्म किस तरह से डिस्कस करनी है आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज स्टैंडर्ड फॉर्म और जर्नल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो अल्फाबेट है वो सिर्फ ए पाया जाता है, और जर्नल फॉर्म में ए के साथ एच और के पाया जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ ए और जर्नल फॉर्म में ए एच के, ये तीन अल्फाबेट्स आते हैं। इनकी कुछ इक्वेशंस होती हैं और कुछ इनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो स्टैंडर्ड और जर्नल फॉर्म में रखे जाते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में दो पार्ट्स होते हैं इसके। दो पार्ट्स कैसे हैं, उनमें जो पहला पार्ट होता है उसमें लिखते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, इज अलोंग स्टैंडर्ड में अलोंग आता है एक्स एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। एक्स एक्सिस के अलोंग किस तरह लेते हैं, उसका एक आसान तरीका ये होता है जैसे ये पैराबोला बना हुआ है। ठीक है, हमने एक पैराबोला बनाया, इसमें ये वर्टेक्स है, ये फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है। इसके पार्ट्स ये होते हैं। नंबर वन, सबसे पहले जो वर्टेक्स है उसको हम लेते हैं 0 0। नंबर टू, जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम लेते हैं फोकस, और वो होता है a 0। दरअसल वर्टेक्स से लेके फोकस तक का फासला a होता है। उस ए लेंथ को यहाँ रखकर y 0 ले लेते हैं, क्योंकि पॉइंट एक्स के ऊपर है तो एक्स पे y 0। इसके बाद जो दूसरी तीसरा पार्ट होता है उसका नाम होता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे बनाते हैं, इसका तरीकाकार ये है कि ये मैं अपने जहन में रखिएगा कि जो पॉइंट होता है वो हमेशा ब्रैकेट बनाता है, और जो लाइन होती है वो हमेशा इक्वेशन बनाती है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को लिखते हैं एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0,
इस तरह बना कि लेफ्ट साइड पर एक्स था माइनस ए, इस माइनस ए को इधर ले आएंगे तो जाएगा एक्स प्लस ए इज इक्व टू जीरो। यहाँ प्लस ए था या माइनस ए था, तो माइनस ए को एक्स की साइड ले गया, प्लस ए हो गया। इस तरह इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वजूद में आ गई। इसके अलावा एक और चीज होती है और उसका नाम होता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला को लिखने का तरीका है वाई स्क्वायर फोर ए एक्स। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपका जो कर्व है जिस एक्सिस के ऊपर है वो वेरिएबल फोर ए के साथ आएगा और जो दूसरा वेरिएबल है उसको अकेला करके स्क्वायर ले लेंगे। तो जिस एक्सिस के ऊपर आपका कर्व होता है वो वेरिएबल फोर ए के साथ आता है और जो दूसरा वेरिएबल है वो अकेला होकर उस पर स्क्वायर आ जाता है। अच्छा, इसी तरह एक इसका होता है अलोंग वाई एक्सिस, सेम इसी तरह इसका एक बी पार्ट होता है जिसमें आप लेते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस के अलोंग क्या होता है, वाई एक्सिस के अलोंग कर्व को कुछ इस तरह ड्रॉ करते हैं तो जो कर्व है वो वाई के ऊपर लाए करता है। ये पॉइंट हो गया वर्टेक्स जीरो जीरो, अंदर का पॉइंट है फोकस, ये हो जाएगा जीरो ए और जो नीचे की लाइन डायरेक्ट्रिक्स है तो जाएगा वाई इज वाई प्लस ए इज इक्व टू जीरो। इसका पहला पार्ट होता है वर्टेक्स जीरो जीरो, दूसरा पार्ट होता है फोकस जीरो ए और तीसरा जो पार्ट है जिसे आप कहते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये होता है वाई प्लस ए इज इक्व टू जीरो। इसके अलावा चौथा पार्ट होता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये होता है आई एम सॉरी वो थोड़ा सा वेरिएबल चेंज हो गया था, एक्स स्क्वायर फोर ए वाई। ये जहन में रखिए कि आपका पैराबोला यानी एक्सिस ऑफ पैराबोला जिस एक्सिस पर होगा वो वेरिएबल फोर ए के साथ आएगा। अब जैसे एक्सिस ऑफ पैराबोला वाई पर है तो फोर ए के साथ वाई आएगा, एक्स अकेला हो जाएगा। अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स पर है तो फोर ए के साथ एक्स आएगा, वाई अकेला हो जाएगा। इसके अलावा इसकी एक जर्नल फॉर्म होती है, जर्नल फॉर्म के भी दो पार्ट्स हैं। पहला एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा जी, इसमें क्या होता है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस में डायग्राम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनती है, ये हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायग्राम ड्रॉ की, ये एक्स है ये वाई है, ये हो गया एक्स के पैरेलल। जब वर्टेक्स ओरिजिन से हटता है तो उसको एच के ले लेते हैं। अब इसमें एक पॉइंट अंदर आएगा एक बाहर आएगा, तो ये जो अंदर का पॉइंट है फोकस है, इसको लेते हैं एच प्लस ए के और जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो होता है एक्स इज इक्व टू एच माइनस। ये इस तरह है कि अगर एक्स के पैरेलल है तो जो फोकस का ए है वो एच में लगेगा और अगर वाई के पैरेलल होगा तो फोकस का जो ए होगा वो के में लगेगा। ठीक है, अब इसको यहीं से हम अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं या हमारा जो वीडियो का टाइम है वो पूरा होता है इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको यहीं से बताएंगे जर्नल फॉर्म को किस तरह से जो है वो इनके पार्ट्स को तैयार किया जाता है। इसके अलावा इसी तरह आप हमारी अगर और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो
हमारा चैनल शार्क एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस चैनल को शेयर कीजिए। इसी तरह मालूमाती वीडियोस देखने के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।